वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का मार्च शुरू। प्रियंका बोली, हम आज राजनीति की बात नहीं करेंगे। गांधी को शहादत स्थल पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी महंगाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मार्च शुरू हो गया है। पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए निकले हैं। मार्च कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्ग पर पहुंचा, जहां महात्मा गांधी शहीद हुए थे। वहां राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। पदयात्रा में प्रियंका गांधी हाथ में तिरंगा लेकर चल रही हैं। पदयात्रा में 23 के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी मौजूद हैं। काफी समय बाद गुलाम नबी को किसी आंदोलन में राहुल गांधी के साथ देखा गया है। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी के परिवारवाद वाले भाषण पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज आजादी की सालगिरह है, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ देश की बात होगी। कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूर्वी मंत्री अंबिका सोनी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे और वह कार्यकर्ताओं के बीच खड़े रहे। ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम और उसके बाद झंडा गीत और राष्ट्रीय गान गाया गया।